इंडिया दे विच एक पहला इस टाइप का प्रोजेक्ट है जो कि सेरिकल्चर का प्रोजेक्ट है, वो कोई दूसरा डिपार्टमेंट इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एक सक्सेसफुल ट्रायल रेयरिंग भी कर चुके हैं जिस दे विच लगभग 6.5 क्विंटल असी कोकोन प्रोड्यूस किया है और फार्मर्स में लाखों रुपए की इनकम जनरेट हुई है। फार्मर्स है वो बिना कोई अपनी जेब तो पैसा खर्च किए और अपनी इनकम बढ़ा लेंगे इस प्रोजेक्ट में। एक फार्मर करीब करीब 50,000 रुपए एक साल दे विच करीब करीब 50 दिनों दे विच वो कमा सकता है। सरकारा वालों किसानों सहायक धंधे जोड़न के लिए कई उपराले किए जाते हैं और हुण सरकारा वालों किसानों जंगलात विभाग की मदद के नाल रेशम के व्यापार नाल जोड़िया जा रहा है। मेरे नाल इस वक्त DFO साहब मौजूद ने, उन्होंने गलबात करेंगे। जनाब, सरकारा वालों जिहड़ा किसानों जिहड़ा सहायक धंधे नाल जोड़न के लिए कई उपराले किए जाते हैं, हुण किस तरह रेशम का कारोबार करेंगे पठानकोट के किसान? देखो जी, रेशम का काफ़ी पोटेंशियल रहा है पठानकोट दे विच और काफ़ी पुराने टाइम से भी काफ़ी सारे फार्मर रेशम का काम करते आ रहे हैं। तो इतने जो मेन चैलेंजेस जो फार्मर जो फेस कर रहे थी वो सी कि एक तो मलबरी लीव्स जिसपे जो शहतूत पे जो कीड़ा पलता है, मलबरी लीव्स पे जो रेशम वाला, उसकी पत्ती की काफ़ी कमी थी यहाँ पे। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जो किसान हैं वो रेशम का जो कीड़ा पालन का जो बिजनेस है या जो व्यापार है वो छोड़ चुके थी। इस तो अलावा किसी की जो वो पुराने टाइम से ये काम करते आ रहे थे लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड नहीं हो पाए थे। तो इसनों लेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों एक काफ़ी इनोवेटिव जो है एक आइडिया लेके आए, एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट लेके आए जो कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड दे वालों अप्रूव किया गया सी। और ये मैं दसना चाहता कि ये इंडिया दे विच एक पहला इस टाइप का प्रोजेक्ट है जो कि सेरिकल्चर का प्रोजेक्ट है, वो कोई दूसरा डिपार्टमेंट इसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड वालों लगभग 4.25 करोड़ का प्रोजेक्ट पास किया गया सी जिस दे विच 116 फार्मर नू असी कवर कर रहे हैं 3 साल दे लई। और मैं दर्शकों नू दसना चाहता कि असी एक साल जो पहला साल सी उस दे विच 30 फार्मर असी कवर कर चुके हैं और एक सक्सेसफुल ट्रायल रेयरिंग भी कर चुके हैं जिस दे विच लगभग 6.5 क्विंटल असी कोकोन प्रोड्यूस किया है और फार्मर्स में लाखों रुपए की इनकम जनरेट हुई है। तो इसमें इस जो प्रोजेक्ट है इस दे विच मेन की है कि असी फार्मर नू सारा का सारा जो सेरीकल्चर के रिगार्डिंग जिन्ना भी इंफ्रास्ट्रक्चर की लोड होंगी है वो असी सारा का सारा उन्होंने प्रोवाइड करा रहे हैं, जिमें कि चौकी रेयरिंग सेंटर है, रेयरिंग हाउसेज है, रेयरिंग इक्विपमेंट्स है। इस अलावा जैसे ये किसान नर्सरी भी डेवलप करें कि इन फ्यूचर मान लो फार्मर्स जो अपनी लैंड के विच और भी मलबरी के बूटे लगाने चाहते हैं तो वो तो बूटे लेके लगा सकते हैं। और जो सबसे इंपोर्टेंट चीज़ है इस दे विच सी कि असी 75 हेक्टर के विच प्लांटेशन की हुई है जो कि धार ब्लॉक एरिया दे विच की हुई है और वो जो प्लांटेशन है वो लगभग 5 पिंडा नू कवर कर रही है जिस दे विच दुरंगखड़ है, फंगतोली है, बब्बर है, समाणू है, जुंगत है। इन 5 पिंडा दे विच 75 हेक्टर प्लांटेशन की है जिस दे विच करीब 37,500 बूटे लाए हैं। तो इस तो की होएगा कि जिवें मैं पहले दस रहा था कि मलबरी लीव्स की जो शॉर्टेज है वो फार्मर तो सबसे बड़ा चैलेंज है, तो उसकी जो वो चैलेंज है उसनों ओवरकम कर पाएंगे फार्मर्स और उन्होंने आने वाले सालों के सफिशियंट मलबरी लीव्स मिलेगी। इस तो जो सेरीकल्चर प्रोडक्शन जो पंजाब का स्टेगनेट सी काफ़ी सालों तो उसनों बढ़ावा मिलेगा, फार्मर दे लई एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनेगा। इस तो अलावा जो और भी लोग हैं वो जो इस सेरीकल्चर जो उनका सी एक्टिविटीज से जो दूर हो गए थे वो भी आके और जुड़ेंगे और धार ब्लॉक एरिया दे लई जो कि एक बैकवर्ड एरिया पंजाब का उसनों एक संजीवनी बूटी मिलेगी और इस तो की होगी लोगों की इनकम और बढ़ोतरी होएगी। किन्ने कर फार्मर इस नाल जुड़े है ते सालाना किन्नी आमदन इस तो जिहड़े किसान कमा सकते हैं? इस प्रोजेक्ट दे विच असी 116 फार्मर 3 सालों दे कवर करांगे और लगभग यदि क्वालिटी रहती है मान लो सीड तो लेके और लार्वे की लास्ट स्टेज तक यदि अच्छी क्वालिटी रहती है तो असी उम्मीद करते हैं कि 100 EFL चो जो कि एक फार्मर वालों किया जाना है करीब करीब 40 से 50 किलो
जो कुकुन है वो प्रोड्यूस कर सकता है। और यदि मैं एवरेज मार्केट रेट की गल करिए तो उस तो की होएगा कि एक फार्मर एक सीजन दे विच करीब करीब 20,000 रुपये कमा सकता है। और जो धार ब्लॉक एरिया है, जो पठानकोट वाला एरिया है और पंजाब दी इवन पंजाब भी इतने लगभग दो जो क्रॉप है सीजन दे विच सेरीकल्चर दी लेंदे हैं। तो इस तो की होएगा कि एक फार्मर करीब करीब 50,000 रुपये एक साल दे विच करीब करीब 50 दिनों दे विच वो कमा सकता है। असी जो रेयरिंग सेट डेवलप किते हैं वो इस हिसाब से डेवलप किते हैं कि 300 DFLs मतलब तीन फार्मर मिलके उस एक रेयरिंग सेट में काम करेंगे तो एक सेट तो करीब करीब 1,00,000 और 1.5 लाख तो वध भी इनकम एक सेट तो निकल के आएगी एक साल दे विच, जो कि काफ़ी मेरे ख्याल से एक बहुत ही चंगी गल है। बहुत ही एक बढ़िया सपोर्ट मिलेगा फार्मर्स नू और अदर फार्मर्स भी मोटिवेट होंगे। और आने आने साने दा विच जो सेरीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, सिल्क का प्रोडक्शन है पंजाब का, वो बढ़ेगा। कंढी इलाके की तुसी गल कर रहे हो, कोई धार जड़ा इलाका वो कंढी इलाका पैंदा है, लोग उत्थे कोई एडे आर्थिक पक्षों इन्ने मजबूत नहीं है, क्योंकि जेकर सिल्क का काम भी शुरू करन तो उहदे लई जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो फार्मर आप देखेगा जो वो भी विभाग वालों उहदी मदद की जाएगी। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी क्रिएट करता है, से प्लांटेशन हो, से किसान नर्सरी हो, से CRC हो, चौकी रेयरिंग सेंटर हो, से रेयरिंग हाउसेज हो, रेयरिंग अप्लायंसेज हो, और भी वक्त जो चीज़ें हैं, सारी की सारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों क्रिएट की गई हैं, सारी की सारी फॉरेस्ट लैंड के बीच क्रिएट की गई हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो एक कम्युनिटी बेस्ड है, ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी है, जिस दे सारे फार्मर्स एज ए ग्रुप मिलकर काम करेंगे। और वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोल है, बट जो फार्मर उस दे विच काम कर रहे हैं वो उना दा ही रहेगा। जदों तक वो उस दे विच काम कर रहे हैं उना दी प्रॉपर्टी है, वो उसनों यूज कर सकते हैं। तो ये जो क्रिएट किया गया है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों क्रिएट किया गया है, फार्मर नू इस दे लिए कुछ भी देना नहीं पाया। सारा का सारा जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड हुआ था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड हुआ है। तो कह सकते हैं कि उना दी जो फार्मर्स है वो बिना कोई अपनी जेब तो पैसा खर्च किए और अपनी इनकम बढ़ा लेंगे इस प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट जड़ा सरकार वालों खर्चे भी किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा, पर जिवें दस्या कि जो प्रोडक्ट है रेशम का है कुछ महीनों का है, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बनया पाया है तो कुछ इदा नहीं सरकार कर सकती, जो विभाग अजिहा कर सकता कि सरकार जो किसान ने इन्हों की होर आमदन वधे, कुछ अजिहे होर तैयार किया जाए। बिल्कुल तुसी सही गल कर रहे हो और हमने भी इस चीज़ को ध्यान में रखा है और हम अदर एक्टिविटीज़ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर नू जो सेरीकल्चर का ऑफ सीजन है उस दे विच इस नू यूज़ कर सके। और मैं सारा नू दसना चाहता कि असी हुण ही जो 30 फार्मर जिन्होंने इस साल सेरीकल्चर की एक्टिविटी की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाल, उन्होंने असी KVK दे विच कृषि विज्ञान केंद्र दे विच मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग उन्होंने असी ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। और मशरूम जो कल्टीवेशन है वो असी जो होंगी है विंटर सीजन के होंगी है, जिससे सेरीकल्चर यदि क्रॉप की गल करिए असी तो वो मोस्टली सितंबर अक्टूबर के और उसके बाद में फरवरी-मार्च के, तो जो बीच का जो 3-4 महीने हैं वो उस दे विच वो जो रेयरिंग सेड और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर असी क्रिएट किया है वो फ्री रहेगा। और जो मशरूम कल्टीवेशन है उसका आइडियल सीजन वो 3-4 महीने होंगे हैं। तो असी उम्मीद करते हैं कि वो फार्मर सारे के सारे उस जो सेरीकल्चर का ऑफ सीजन है उस दे विच वो मशरूम कल्टीवेशन करेंगे। इस तो की होएगा कि मशरूम का भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा स्कोप है, ऑर्गेनिक मशरूम प्रोड्यूस होएगी और नाल नाल तुसी देख दे हो कि इतने काफ़ी सारे रिजोर्ट भी बने हुए धार ब्लॉक दे विच, पठानकोट दे विच भी काफ़ी होटल बने हुए हैं। इस तो अलावा पठानकोट एज ए टूरिज्म हब प्रमोट किया जा रहा है, तो आने साल दे विच और भी ये एरिया डेवलप होएगा, तो उन्होंने लिए काफ़ी चंगा स्कोप बनेगा मशरूम कल्टीवेशन का। और इसी नु ध्यान में रखते हुए असं उस एक्टिविटी नु भी प्रमोट कर रहे हैं। और जो अगले साल हम रेयरिंग सेट बनाएंगे उस तो भी अगले साल बनाएंगे, साड़ी कोशिश यही रहेगी कि हम हर साल उन फार्मर्स नु जो जो कवर करें सेरीकल्चर के उन्होंने नाल नाल असी मशरूम की भी ट्रेनिंग दिलाते रहें ताकि वो इस एक्टिविटी नु भी सेरीकल्चर के ऑफ सीजन के इस भी कर सकें और उन्होंने जो इनकम है उसमें और वाधा हो सके, नाल नाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है उसका सही ढंग से और यूटिलाइज हो सके। धर्मवीर जी, एक चीज़ असी होर जानने की कोशिश करांगे कि रेशम का कारोबार किसान कर रहे हैं, मशरूम दी तुसी गल कर रहे हो, किसान हमेशा एक गल करता मंडी करन दी, उसनू इह समझ नहीं आता कि अपना प्रोडक्ट ते लगा लिया इसकी सेल कित्थे कीती जाए, कि फॉरेस्ट विभाग इस दे विच उसकी मदद करेगा। बिल्कुल, जैसे हमारा जो ये सीजन जो सेरीकल्चर का इस साल का जो प्रोड्यूस था ये पहला प्रोड्यूस था, एक तरीके से ट्रायल रेयरिंग थी,
और काफ़ी इस दे विच सक्सेसफुल रहे। जदों साडा प्रोडक्शन बढ़ेगा असी कोशिश कर रहे हैं कि और सेंट्रल सिल्क बोर्ड के नाल टच में भी हैं, इसनों एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैवें इस जो मंडीकरण इसनों ऑनलाइन करिए ताकि जो देश भर के जितने भी व्यापारी हैं वो आके इत्थों जो कोकून प्रोड्यूस हो रहा है उसनों परचेज कर सकें और ताकि किसानों को एक जो उन्हां दी वैल्यू है जो राइट वैल्यू है वो उन्हां दे कोकून दी उन्हां नूं मिल सके। इसदे नाल नाल असी उसनों वैल्यू एडिशन भी करन दे विच लगे हुए हैं। जो साडा प्रोजेक्ट है सेरीकल्चर का उसके जो लास्ट ईयर दे विच असी एक ऑटोमेटिक रेलिंग मशीन भी उस प्रोजेक्ट दे विच डाली हुई है और साडी कोशिश है कि 2 सालों दे विच साडा जो प्रोडक्शन है सिल्क का कोकून का वो इस लेवल का आ जाएगा कि उस रेलिंग मशीन दे लई उसनों इफिशियंट वो रन कर सके और उस तो की होगा कि कोकून तो धागा बनना भी स्टार्ट हो जाएगा और जो तो कोकून तो धागा बनना स्टार्ट हो जाएगा तो फार्मर नू और उसकी वैल्यू मिलेगी। इसके नाल नाल असी कोशिश करें कि अगले साल सानू फार्मर्स जो उन्होंने ड्रायर भी अवेलेबल करा सके ताकि वो ड्राई कोकून बेच सकें कि होंगे कि जो तो सेरीकल्चर सिल्क प्रोड्यूस कोकून प्रोड्यूस होंगे वो उस सीजन के बीच चारों तरफ से कोकून आता है और मार्केट में काफ़ी होता है उसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है और वही कोकून 3-4 महीने बाद उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। तो साड़ी कोशिश रहेगी कि उसको ड्रायर करके और फिर जो 3-4 महीने बाद उसकी वैल्यू अच्छी मिल रही हो उस सीजन के बीच उसनों बेचिए और तो उस तो अगली साल है जो लास्ट ईयर हमारा प्रोजेक्ट है उस ऑटोमेटिक रेलिंग मशीन बना के उस कोकून को असी धागे ते कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू और बढ़ाएं। अखीर दे विच कुछ किसानों को कहना चाहते हो क्योंकि अज भी कई किसान सहायक धंधे बारे सुनते हैं करना चाहते हैं पर खुल के नहीं बाहर आते। मेरी उन सारों को यही अपील रहेगी कि वक्त वक्त डिपार्टमेंट नॉट जस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बट सारे डिपार्टमेंट अपने लेवल पे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के काफ़ी एक्टिविटीज़ प्रमोट करिए और इस दे लिए उन्होंने कॉर्पस फंड भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में मिल रहा है जो कि रिवॉल्विंग फंड होता है। हर ब्लॉक के बीच जो असी गल कर रहे हैं वो एक पिछड़ा हुआ एरिया है बट यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे फॉरेस्ट तो जाके जो जंगली जड़ी बूटी है उन्होंने कलेक्ट करके उन्होंने प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इस दे लिए भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वालों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। ऑलरेडी असी करीब 10 से 12 साढ़े को मेडिसिनल शेड बनी हुई जिन्हों के काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनया हुआ है जिसमें वो आंवला हो चाहे गिलोय हो या फिर अर्जुन छाल हो उन्होंने सुखा के उन्होंने ड्राई करके उन्होंने वैल्यू प्रोसेस करके उन्होंने प्रोसेस करके वो मार्केट के बीच बेच सकते हैं। असी मार्केटिंग के लिए भी जिमें कि काफ़ी एजेंसी जिमें कि उन्नति है तलवाड़ा के बीच अमृतसर के भी काफ़ी जो व्यापारी हैं जो उन्होंने परचेज करना चाहते हैं उन्होंने नाल असी कंटिन्यूस संपर्क के बीच हैं कि और उन्होंने नाल साड़ी हुण भी सेल्फ हेल्प ग्रुप नाल असी उन्हां दी मीटिंग करवाई सी। और इस तो अलावा जो सेरीकल्चर है असी प्रोजेक्ट के 116 फार्मर कवर किए हैं वो 5 विलेज तो ही है उन्होंने तो मोटिवेट होके मैं और फार्मर नूं अपील करदा कि तुसी भी सेरीकल्चर नूं अडोप्ट करो। इस दे नाल नाल जिवें कि मशरूम दा असी गल कर रहे हैं उसका भी काफ़ी पोटेंशियल है तो ये सारी जो सहायक एक्टिविटीज़ हैं उन्हां दा काफ़ी पोटेंशियल इस दे एरिया विच फार्मर उसनों अडोप्ट करिए और जिन्नी भी कोई रिक्वायरमेंट है सही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों हो या कोई बहुत वक्त अदर डिपार्टमेंट वालों जरूर है कि काफ़ी फंड उन्होंने को भी आंदा है और वो जरूरत पूरी करने के लिए तैयार हैं। बस फार्मर्स नू मेरी यही अपील है कि वो इसको अडोप्ट करें अपने लेवल पे। ऐसा साढ़े नाल DFO तरवीर सिंह जी जिन्होंने दसिया कि किवें विभाग वालों किसानों नू सहायक धंधे नाल जुड़न दे उपराले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों नू भी चाहिए है कि किसान सहायक धंधे अपनाओ अते अपनी आमदन में वाधा कर। पठानकोट तो जतिन शर्मा न्यूज़ 18 पंजाब।